तो हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे पांच महान क्रिकेटर्स के बारे में जो अपने देश के लिए कभी भी नहीं खेल पाए वर्ल्ड कप। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं उन महान क्रिकेटर्स के बारे में तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, हर क्रिकेटर्स का सपना होता है कि वह अपने देश के लिए एक बार जरूर वर्ल्ड कप खेले और ट्रॉफी जीतकर खूब नाम कमाए। लेकिन कई क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं जो इतने बदकिस्मत रहे हैं जो अपने देश के लिए कभी वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही पांच क्रिकेटर्स के ऊपर। तो दोस्तों, नंबर एक, भारत के वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण खेल के इतिहास में सबसे स्टाइलिश बल्लेबाजों में से एक हैं। वीवीएस लक्ष्मण ने 16 वर्षों में भारत के लिए 134 टेस्ट खेले, जहाँ उन्होंने बहुत सी मैराथन पारी खेली। लक्ष्मण टेस्ट में शानदार थे, लेकिन उनका वनडे कैरियर कभी आगे नहीं बढ़ा। वीवीएस लक्ष्मण के पास 2003 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल होने का अच्छा मौका था, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। तत्कालीन भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने तब स्वीकार किया था कि लक्ष्मण को शामिल नहीं करना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। नंबर दो, ऑस्ट्रेलिया के जस्टिन लैंगर। जस्टिन लैंगर को बहुत सारे फैंस टेस्ट क्रिकेट के महान ओपनर मानते हैं। जस्टिन लैंगर और मैथ्यू हेडन सबसे खतरनाक सलामी जोड़ियों में से एक थी, लेकिन वनडे मैचों में गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन पारी की शुरुआत करते थे। टेस्ट में लैंगर के आंकड़े बहुत प्रभावशाली हैं, वहीं वनडे प्रारूप में उनका रिकॉर्ड बहुत खराब है। जस्टिन लैंगर को केवल 8 वनडे मैच खेलने को मिले, साथ ही कभी भी उन्हें ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप खेलने का मौका नहीं मिला। नंबर तीन, इंग्लैंड के एलिस्टेयर कुक। एलिस्टेयर कुक इंग्लैंड के महान बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाए थे और एक समय ऐसा लग रहा था कि उनके पास सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक टेस्ट रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। हालांकि वनडे मैचों में एलिस्टेयर कुक का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। 2011 वर्ल्ड कप के बाद एंड्रू स्टार्क्स के इस्तीफा देने के बाद एलिस्टेयर कुक ने वनडे और टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली। हालांकि 2015 वर्ल्ड कप से पहले उन्हें इंग्लैंड वनडे टीम की कप्तानी छोड़नी पड़ी और वह रंगीन जर्सी की क्रिकेट से दूर हो गए। एलिस्टेयर कुक भी कभी भी वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। नंबर चार, ऑस्ट्रेलिया के स्टुअर्ट मैकगिल। स्टुअर्ट मैकगिल खुद को इतिहास के सबसे बदकिस्मत क्रिकेटरों में से एक मान सकते हैं। सेनवान के युग में इस लेग स्पिनर की किस्मत नहीं चमक पाई। स्टुअर्ट मैकगिल को ऑस्ट्रेलिया के लिए 44 टेस्ट और 3 वनडे खेलने को मिले। ये खिलाड़ी भी कभी वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया। ऑस्ट्रेलिया के पास खतरनाक तेज गेंदबाज थे, इसलिए वह एक स्पिनर या बिना स्पिनर के साथ खेल सकते थे। नंबर पांच, भारत के इरापल्ली प्रसन्ना। इरापल्ली प्रसन्ना को अब तक के सबसे महान ऑफ स्पिनरों में से एक माना जाता है, लेकिन उन्हें भारत के लिए कभी भी वर्ल्ड कप में खेलने का मौका नहीं मिला। इरापल्ली प्रसन्ना ने भारत के लिए 49 टेस्ट मैचों में 189 विकेट लिए थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें वनडे टीम के लिए कभी भी नहीं चुना। तो दोस्तों, ये थे वो पांच खतरनाक क्रिकेटर्स जिन्होंने कभी भी अपने देश के लिए वर्ल्ड कप नहीं खेला। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।